हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं? क्या आप भी शिव भक्त हैं? तो खासकर इन तीन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों शिव पुराण की कथा कहती है कि जब आप महादेव के मंत्र का जाप करो, महादेव का स्मरण करो, महादेव का जब नाम जाप करो, तो महादेव की पूजा करने वाले को, सेवा करने वाले को तीन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला, शिव का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना, तब भी अगर कोई आपका बुरा कर दे तो उस बुरा करने वाले का बहुत बुरा कर देते हैं महादेव। इसलिए शिव भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका कोई भी कितना भी बुरा कर दे पर आप किसी का बुरा ना करें। ऐसा करेंगे तो महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न रहेंगे। उदाहरण देकर समझाती हूँ, जैसे होली के टाइम पर अगर आप किसी को फूल फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल फेंक कर ही मारेगा। अगर आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारा तो वो भी आपको गुलाल ही फेंक कर मारेगा। अगर आपने किसी पर कीचड़ फेंका तो वो आपके ऊपर कीचड़ फेंकेगा। जैसे आप किसी को दोगे ठीक वैसे ही आपको मिलेगा। इसलिए शिव पुराण यही कहती है कि दुनिया के लोग आपको कितना भी अपशब्द बोलें पर आप उनको अपशब्द ना बोलें। अगर आप उस व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलेंगे तो थोड़ी देर में ही सही, पर भगवान शंकर उस व्यक्ति का अपशब्द कर देंगे जो उनके शिव भक्त को अपशब्द बोलेगा। तो दोस्तों शिव भक्त को और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो जो शिव के भजन करने वाले हैं उनको बन सके तो किसी गरीब दीन दुखी की सहायता करें। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो आप किसी द्वार पर आए व्यक्ति को पानी जरूर पिला दें। घर पर डिलीवरी बॉय आ रहा है तो उसे पानी जरूर पिलाएं। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो हो सके तो किसी के लिए छाया कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। तो दोस्तों तीसरी किस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? महादेव की पूजन करने वाले को तीसरी बात ये कही गई है कि आप किसी दूसरे देवता की निंदा ना करें। ये नहीं कि आप शिव की पूजा करते हो तो राम जी की निंदा करो, राम जी की पूजा करते हो तो माँ दुर्गा की निंदा करो, दुर्गा की पूजा करते हो तो कृष्ण जी की निंदा करो, कृष्ण जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की निंदा करो। नहीं, शिव की पूजा करने वाले को किसी भी देवी देवता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप राम जी, हनुमान जी, माता जी की पूजन करते हो तो शिव जी की निंदा करने लग जाओ। नहीं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को, किसी भी भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी व्यक्ति की कोई ना कोई एक इष्ट देव तो रहते ही हैं, पर अपने इष्ट देव को जितना मानते हो उतना ही सभी देवी देवताओं को मानना चाहिए। कभी किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इन कुछ विशेष बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए शिव भक्तों को और सभी भक्तों को।